वो समर सीजन की रात थी, रात के कुछ 9 बज रहे थे। मैं अपने रूम के बेड पे बैठ के मोबाइल में टाइम पास कर रही थी। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम ये पैसे ऐसे कैसे उड़ा सकते हो? मेरे पेरेंट्स के रूम में मेरी मॉम की आवाज चिल्लाते हुए सुनी। मैं बस एक रात के लिए अपने दोस्तों के साथ गया था, तुम ये फाइनेंशियल ब्लेम मेरे अकेले पे नहीं डाल सकती, मैंने सुना मेरे डैड ने भी चिल्लाते हुए मेरे मॉम को रिप्लाई किया। मैं हेट करती थी जब मेरे मॉम डैड एक दूसरे से झगड़ते थे, लेकिन अब ये रोज की बात हो चुकी थी। मुझे मेरे मॉम डैड का झगड़ा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया मैं घर से बाहर निकलूंगी। मैं कुछ देर के लिए घर के बाहर जाके थोड़ा सा चक्कर मार के आती हूँ, तब तक ये झगड़ा बंद हो गया होगा। ये सोचते हुए मैं घर से बाहर निकली। घर से बाहर निकलते ही मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी डिप्रेस तो थी ही। हमारा घर अभी सेफ और सिक्योर जगह नहीं रही थी, मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स से हाइड करना पड़ता था। अभी तक उन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के वजह से मेरे पे तो कभी नहीं चिल्लाया था, लेकिन चिल्लाएंगे तो मैं क्या करूंगी, इसी डर से मैं उनसे दूर ही रहती हूँ। ऑल ऑफ अ सडन ये सारे विचारों से मैं बाहर निकली। आई वॉज ब्रॉट बैक इन टू द प्रेजेंट। मेरे अड़ोस पड़ोस में काफी सन्नाटा था, तभी मैंने मेरे पीछे से जेंटल फुटस्टेप्स की आवाज सुनी, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, नॉट इवन कैट और डॉग, पीछे तो कोई भी नहीं है, मैंने खुद से ही विस्पर किया। शायद मैं चीजें इमेजिन कर रही हूँ। मैं वापस आगे चलने लगी, अचानक से यूं ही मैंने पीछे मुड़ के देखा। पीछे देखते ही मैं ऑलमोस्ट चिल्लाई। मेरे पीछे मेरे उम्र का ही एक लड़का खड़ा था। उसके एक्सप्रेशंस काफी अजीब थे। He was totally frozen, एक सैड एक्सप्रेशन के साथ वो मेरे सामने खड़ा था। मेरा नाम साहिल है, उस लड़के ने मुझसे कहा। मैंने भी कंफ्यूज होते हुए अपना नाम बताया। मेरा नाम सलोनी है, तुमने कैसे, कैन वी वॉक, उस लड़के ने रोड की तरफ जेस्चर करते हुए मुझसे पूछा। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था मैं अभी क्या कहूँ। मैंने हाँ कहते हुए नॉड किया। हम दोनों भी चलते हुए आगे के नेबरवुड में आके पहुंचे। आगे चलते हुए जैसे हमने बात की, उससे मेरा डर मिट गया और मैं वो कॉन्वर्जेशन एंजॉय करने लगी। बात करते हुए कुछ घंटे बीत गए, हम अगले नेबरवुड में आके पहुंचे। मैंने ये चीज बैरली नोटिस की। मैंने जब अपनी घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 2 बज गए थे। ओह शिट, इट्स टू लेट, मुझे अपने घर जाना होगा साहिल। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, साहिल ने मुझसे कहा। हम जब वापस मेरे घर की तरफ चल रहे थे, तब हम दोनों भी शांत थे। हम दोनों भी मेरे घर के सामने आके पहुंचे। साहिल ने मेरी आंखों में देख के मुझसे कहा, कभी भी रात को रास्ते पे अकेले मत घूमना। मैंने भी उसकी ये बात सुन के नॉड किया। पलक झपकते ही साहिल वहां से निकल गया। मैं सोच रही थी कि कैसा अजीब लड़का है, इतनी समय के लिए हम साथ में थे और इसने बाय भी नहीं कहा और निकल गया। मैंने जब उसकी तरफ देखा, मैंने नोटिस किया उसके टी शर्ट से खून बह रहा है। ये देख के मैं काफी शॉक हुई, खून बहुत ज्यादा बह रहा था। जैसे ही मैं उसको बुलाने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी, मेरे मॉम ने मुझे इंटरप्ट किया। सलोनी क्या कर रही हो, किधर थी तुम इतने देर तक, जल्दी से घर के अंदर आओ। मैंने अपनी मॉम को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सीधे अपने रूम में आ गई। मैं अपने बेड पे सोने के लिए गई। इट टुक मी अराउंड 1 आवर टू गो टू स्लीप। अगली सुबह मैं कुछ 8 बजे उठी। मैंने ब्रश किया और मैंने अपने मॉम डैड को ज्वाइन किया ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरे मॉम ने मेरे लिए ऑमलेट सर्व किया। मेरे डैड ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मेरे डैडी ने मुझसे सवाल पूछा, क्या तुम्हें इस लड़के के बारे में पता है जिसका नाम साहिल है, जो कि तुम्हारे उम्र का ही था, वो यहीं पे अड़ोस पड़ोस में ही रहता था। ये सुनने के बाद मैंने अपने डैड की तरफ एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखा। मेरे डैड ने कंटिन्यू करते हुए कहा, उस लड़के का कल रात को कुछ 9 बजे मर्डर हुआ है। अपने पड़ोस के नेबरहुड में उसे गुंडों ने पीठ में चाकू घुसाकर मार डाला। I was totally shaken after hearing this. उसके टी शर्ट पे लगा हुआ खून, उसकी वो रात को अकेले ना घूमने की वार्निंग, उसके चेहरे पे सैड एक्सप्रेशन होना। मैं एक मर्डर हुए हुए लड़के को उसके मौत के कुछ समय बाद ही मिली थी। उस किस्से के बाद मैं कभी भी अपने लोकेलिटी के एरिया में रात को अकेली नहीं घूमी।